तो चलो बच्चों, इस वाले क्वेश्चन को देखो कि ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, और इस टाइप के क्वेश्चन हम पे कर लेना। एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं, मैं जेई मेंस और नीट के सारे करवा दे रहा हूँ। तो ये पहला क्वेश्चन है, मिनिमम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम। देखो, हाइड्रोजन का एटम है, ये अपना न्यूक्लियस है, और इसके आसपास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑर्बिट है, एनर्जी लेवल है। तो ये वी एन है, एच इक्वल टू टू है। तो इस तरह से जब हम इधर से दूर जाते हैं, तो हम सबको पता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन इंक्रीज होता है, और थियोरेटिकली एन इज इक्वल टू इनफाइनाइट तक, थियोरेटिकली होता है इनफाइनाइट तक। तो ये न्यूक्लियस है। अब कहता है एंगुलर मोमेंटम मिनिमम कब होगा, तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम होता है एम बी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन टू पाई, वेयर एम इज द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, वी इज द वेलोसिटी, आर इज द वह रेडियस जिसमें हमें एंगुलर मोमेंटम चाहिए, और वह वेलोसिटी जिस जिस ऑर्बिट की हमें एंगुलर मोमेंटम चाहिए। या नहीं तो ये वाला अगर मैं लगाऊंगा, तो ये बाकी सारे तो कांस्टेंट है, तो एन इंटीजर है, 1, 2, 3 और 4 इस टाइप से। तो जो एंगुलर मोमेंटम है वो डिस्क्रीट फॉर्म में है। डिस्क्रीट मतलब ऐसा नहीं है कि यार फ्रैक्शन में एंगुलर मोमेंटम, जैसे एंगुलर मोमेंटम 1/2 h/2π नहीं हो सकता यार, ये तो पॉसिबल ही नहीं है बोर के थ्योरी के अकॉर्डिंग। तो एंगुलर मोमेंटम इंटीजरल फॉर्म में होता है, ये वाला फ्रैक्शन में पॉसिबल नहीं है यार, ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि n एक इंटीजर है। तो अब एंगुलर मोमेंटम मिनिमम कब होगा, तो इस इक्वेशन से देखोगे तो एंगुलर मोमेंटम मिनिमम तब होगा क्योंकि h अपॉन 2π तो कॉन्स्टेंट है, जब n मिनिमम होगा यार। तो n की मिनिमम वैल्यू क्या होती है, तो n की मिनिमम वैल्यू 1 होती है। तो एंगुलर मोमेंटम मिनिमम कितना होगा, मिनिमम होगा h अपॉन 2π, ये इसका सोल्यूशन है। या इस इक्वेशन से देखोगे, इसको देखोगे तो एंगुलर मोमेंटम मिनिमम कब होगा, तो एंगुलर मोमेंटम एम बी आर होता है। तो एंगुलर मोमेंटम मिनिमम तब होगा जब वेलोसिटी मिनिमम होगी, एंगुलर मोमेंटम तब मिनिमम होगा जब वेलोसिटी मिनिमम होगी, और जब रेडियस भी मिनिमम होगा। तो वेलोसिटी मिनिमम कब होती है, ठीक है? अब या ये दोनों एक दूसरे से, भाई मिनिमम निकालना ना, तो ये एक दूसरे के दोनों वेरिएबल है। तो जब ये दोनों वेरिएबल की वैल्यू रखोगे, वेलोसिटी मिनिमम आर मिनिमम, तो ये जो चीज़ आएगा, ये वाली चीज़ आएगी, ये कैलकुलेशन होके ये आया है, ठीक है? तो यहाँ से मैं डायरेक्ट ऐसे नहीं लगा सकता, क्योंकि हमें एन के इंटीजर के फॉर्म में हमें पता नहीं कि एन कैसे डिपेंडेंट है। या नहीं तो आप वेलोसिटी और आर की मतलब एन के टर्म में लिख दो, फिर एंगुलर मोमेंटम मिनिमम निकाल लो। तो अगर मैं वेलोसिटी लिखूँ, तो वेलोसिटी हम सबको पता है, देखो वेलोसिटी वी इज इक्वल टू वी नॉट इज इक्वल टू जेड अपॉन एन होता है, और ये वेलोसिटी यंत आर्बिट में, वेलोसिटी यंत आर्बिट में, और एंगुलर आर मिनिमम जो रेडियस होती है, आर इज इक्वल टू आर नॉट एन स्क्वायर अपॉन जेड होती है। तो जब ये दोनों मल्टीप्लाई करोगे, तो देखोगे कि इन दोनों की मल्टीप्लाई, ये दोनों जब यहाँ रखोगे और इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे, तो ये सारे कॉन्स्टेंट आ जाएंगे, और एन से एक एन, मतलब एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, मतलब फर्स्ट फर्स्ट ऑर्बिट में, फर्स्ट सेल में जो एंगुलर मोमेंटम होती है वो मिनिमम होती है, और एन इज इक्वल टू इन्फिनिटी के लिए आइडियली वो मैक्सिमम होगा। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा बेहतर तरीके से, मतलब हम लोगों का डी ऑप्शन सही है प्यारे बच्चों, ठीक है? चलो, मोटिवेटेड रहो।